नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीघ्र पतन, वीर वृद्धि, नपुंसकता में प्याज के द्वारा रामबाण इलाज। जी हां दोस्तों, प्याज एक अति गुणकारी सब्जी है। ये सब्जी कम है, औषधि ज़्यादा है। प्याज नाड़ी संस्थान, शारीरिक, मानसिक, काम शक्ति को ताकत देता है। प्याज और घी का संयोग गुणकारी है दोस्तों। प्याज कई गंभीर बीमारियों के लिए रामबाण है। यौन शक्ति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए प्याज एक सस्ता एवं सुलभ विकल्प है दोस्तों। प्याज की सब्जी घी से छोंक कर बनाने से अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट हो जाती है। प्याज का रस और घी मिलाकर पीने से ताकत बढ़ती है। कच्चे प्याज के टुकड़ों पर नींबू निचोड़कर खाने से भोजन जल्दी पच जाता है। प्याज और शहद दोनों मिलाकर गर्म प्रकृति के बन जाते हैं, अतः गर्भवती स्त्रियों को दोनों को मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों, वो केवल प्याज ही खाएं। आइए अब हम जानते हैं प्याज के शक्तिवर्धक प्रयोग के बारे में। वीर वृद्धि एवं नपुंसकता दूर करने के लिए, वीर वृद्धि के लिए सफ़ेद प्याज के रस के साथ शहद लेने पर फायदा होता है दोस्तों। सफ़ेद प्याज का रस, शहद, अदरक का रस और घी का मिश्रण 21 दिनों तक लगातार लेने से नपुंसकता दूर हो जाती है दोस्तों। शीघ्र पतन और सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने के लिए, नंबर 1, 100 ग्राम अजवाइन को सफ़ेद प्याज के रस में भिंगोकर सुखा लें। सूख जाने पर फिर यही प्रक्रिया दोहराएं, ऐसा 3 बार करें। अच्छी तरह सूख जाने पर इसका बारीक पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 5 ग्राम घी और 5 ग्राम शक्कर के साथ सेवन करें। इस प्रयोग को 21 दिन तक लेने पर शीघ्र पतन की समस्या से राहत मिलती है दोस्तों। 1 किलो प्याज का रस, 1 किलो शहद और 0.5 किलो शक्कर मिलाकर डिब्बे में पैक कर लें। इसे 15 ग्राम की मात्रा में 1 माह तक नियमित सेवन करने से आपको लाभ होता है दोस्तों, एवं इस प्रयोग से सेक्सुअल डिजायर में वृद्धि होती है। नंबर 2, 1 किलो प्याज के रस में 0.5 किलो उड़द की काली दाल मिलाकर पीस कर पेस्ट बना लें। इसे सुखाकर 1 किलो प्याज के रस में मिलाकर फिर से पीस लें। इस पेस्ट को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर भैंस के दूध में पकाएं और शक्कर डालकर पी जाएं। इस योग का सेवन 30 दिन तक नियमित सुबह एवं शाम करते रहें। ऐसा करने से कमजोरी दूर होती है और कामेक्षा में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि प्याज के द्वारा हम कैसे अपनी शारीरिक शक्ति यानी कि मानव शक्ति यानी कि पुरुषत्व को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।